आज के वीडियो में हम विदेशों से व्यापार और संपर्क किस तरीके से ईसा पूर्व 100 से 300 ईस्वी में विदेशों से भारत का व्यापार और संपर्क रहा उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ आज का टॉपिक जो है कक्षा के साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। तो सम्राट अशोक के बारे में हमने पहले के वीडियो में जाना था। तो सम्राट अशोक के समय भी व्यापारी क्या करते थे, दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो जो व्यापार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, श्रेष्ठी या सेठी कहा जाता था। जो श्रेष्ठी और सेठी शब्द थे वही शब्द बाद में क्या बने, सेठ शब्द बना है। श्रेष्ठी और श्रेष्ठी से ही क्या बना है, सेठ शब्द बना है। और उन दिनों कई व्यापारी एक साथ व्यापार करने जाते थे। तो एक साथ व्यापार करने जाते थे तो उनके साथ क्या था, उनके साथ गाड़ी, बैल, गधे, घोड़े, ऊंट सब पर क्या करते थे, वे सामान लदे होते थे और इनको वे लेकर जाते थे। कुछ अन्य व्यापारी जो थे वे क्या करते थे, जहाजों से समुद्री यात्रा करके इंडोनेशिया, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका ये सभी देशों में जाते थे। जब मौर्य वंश का अंत हुआ तो उनकी जगह शुंग वंश के राजा मगध पर शासन करने लगे और दक्षिण में सातवाहन राजवंश आया। तो इस बीच कई यूनानी राजाओं ने, याद रखने वाली बात है, कई यूनानी राजाओं ने भारत के उत्तर दक्षिण भाग में अपना राज्य बनाया। इनमें से सबसे प्रमुख राजवंश थे शक और कुषाण। इनमें से सबसे प्रमुख राजवंश थे शक और कुषाण। तो जो कुषाण वंश का राजा जो था वह था प्रमुख राजा था, वो कुषाण वंश का वह था कनिष्क था। इसका राज्य मध्य एशिया की आमू दरिया से लेकर भारत के मथुरा तक फैला था। चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक रास्ता जाता था। उस रास्ते से चीन के रेशम का क्या होता था, व्यापार होता था। इसलिए इसको क्या कहते थे, रेशमी मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। ये आप देख पा रहे हैं यहां से किस तरीके से सिल्क रूट यहाँ पे दिखाया गया है। चीन से मध्य एशिया होते हुए, यहां से चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का इधर का रास्ता था। उस रास्ते से चीन का रेशम का व्यापार होता था, इसीलिए उसे रेशमी मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। हमारे देश के व्यापारी विदेशों में तरह तरह के मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि का व्यापार करते थे। इसके अलावा हमारे देश के सुंदर कपड़े, चंदन, कीमती पत्थरों का आभूषण, हाथी, मोर, बंदर इत्यादि के उन दिनों विदेशों में क्या थी, बड़ी मांग थी। अब जानते हैं विदेशों से संपर्क का क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, विदेशों से संपर्क का प्रभाव के अंतर्गत व्यापार के कारण एक दूसरे देशों में आने जाने के कारण लोग कई बार क्या हुए, वहीं बस गए, क्योंकि व्यापार करने गए हैं, वहां व्यापार उनको जम गया या व्यापार में उनकी उन्नति हुई तो लोग क्या करने लगे, वहीं बसने लगे। और इन सब बातों का लोगों के रहन सहन व सोच विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा। और ये प्रभाव क्या थे इसके बारे में आगे हम जानेंगे। विदेशों से व्यापार में क्या क्या प्रभाव हुए उसमें सबसे पहले जानते हैं सिक्के। व्यापार में क्या होता था, सोने चांदी के सिक्कों का क्या था, बहुत महत्व था। तो सोने चांदी का सिक्कों का बहुत महत्व था। और जो अजात शत्रु और अशोक के समय के सिक्के चांदी या तांबे के टुकड़ों पर क्या करते थे, एक तरह के निशान या ठप्पा या आहत लगाकर बनाए जाते थे।
इसीलिए इसे क्या कहा जाता था, आहत सिक्के भी कहा जाता था। ये चित्र में देख पा रहे हैं आप कनिष्क के सिक्कों की बनावट, इस तरीके से सिक्कों की बनावट दिखाई देती थी। हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के सांचों में ढलते थे, इनमें राजा की क्या होती थी, तस्वीर और उनका नाम लिखा होता था। जैसे ऊपर देखा, इनके प्रभाव में आकर भारतीय राजा भी इसी तरह के सिक्के ढालने लगे। अब जानते हैं सिक्कों के बाद मूर्तिकला पर किस तरीके से प्रभाव पड़ा। उन दिनों गांधार और मथुरा में मूर्तिकला क्या था का काफी विकास हुआ। और गांधार जो था भारत के कहां था, यह उत्तर पश्चिम में है और यह हिस्सा यूनानी और कुषाण साम्राज्य में था। इस कारण यहां भारतीय और यूनानी कला का मेल मिलाप हुआ। साथ ही साथ गांधार में बनी मूर्तियों में हम यूनानी मूर्तिकला के प्रभाव को देख सकते हैं और इन मूर्तियों में चुन्नटों की बनावट पर जोर है। जबकि मथुरा में बनी मूर्तियों में यह प्रभाव नहीं दिखता। मथुरा के कलाकार मूर्तियों की हष्टपुष्ट आकृति पर ज्यादा जोर देते थे और चुन्नटों पर कम देते थे। अब जानते हैं धर्म और दर्शन पर क्या प्रभाव पड़े। रोमन साम्राज्य और यूनान से संपर्क के कारण गणित, ज्योतिष और खगोल शास्त्र की जानकारियों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इन विषयों से संबंधित यूनानी ग्रंथों का अनुवाद क्या हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ। साथ ही साथ हफ्ते के जो 7 दिन, 12 राशियों आदि बातें जो भारतीय विद्वानों ने उनसे अपनाया, अर्थात रोमन साम्राज्य, रोमन और यूनानी लोगों से अपनाया, जबकि उन्होंने शून्य और दशमलव चिन्ह आदि हमसे अपनाया। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारतीय मंदिरों के तरह भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। जैसे कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर, जावा में बोरोबुदुर मंदिर। तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर, आज भी उस क्षेत्र का क्या है, यह सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसी प्रकार इंडोनेशिया में रामायण की कथा क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में तो मानते ही हैं, सभी प्रसिद्ध जानते ही हैं कि रामायण की कथा प्रसिद्ध हुई, सभी जानते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में भी रामायण की कथा क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इन्हीं दिनों भारत में चिकित्सा शास्त्र काफी विकसित हुआ। इस पर 2 विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रचे गए हैं चिकित्सा शास्त्र पर। पहला है चरक संहिता और दूसरा है सुश्रुत संहिता। इस प्रकार यह भारतीय इतिहास का क्या है, प्रसिद्ध काल था। तो आज के वीडियो में हमने किस तरीके से विदेशों से व्यापार और संपर्क स्थापित हुआ, इसके बारे में जाना और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम गुप्त काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।